हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब आंखों में लिए घर से जाने वालों की मैयतें घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। हर आंख अशबार, हर दिल सोगवार, अहले खाना गम से निढाल। बलूचिस्तान में कत्ल होने वाले 15 अफराद की मैयतें पंजाब मुंतकिल। लाहौर रवानगी से कबल क्वेटा में नमाज जनाजा, वजीर आला बलूचिस्तान समेत आला हुक्काम की शिरकत। इंसानी स्मगलिंग का गैर कानूनी कारोबार बिलियन डॉलर्स का बन गया। सुनहरे मुस्तकबिल के सपने दिखाकर नौजवानों को यूरोप के रास्तों का मुसाफिर बनाया जाता है। पुरखतर जमीनी और समंदरी रास्ते मुकद्दर बनते हैं, कभी मंजिल मिलती है तो कभी मौत। हुकूमती इदारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नासूर खत्म करने में नाकाम। ट्रैफिकिंग के खिलाफ एफआईए मुतहरिक, गोजावाला डिवीजन से इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 3 अफराद गिरफ्तार। मुलजिम तनवीर को संबड़ियाल और जफर इकबाल को वजीराबाद से हिरासत में लिया गया। मलिकपाल से अब्दुल वहीद उर्फ मोहम्मद खान भी धर लिया गया। से 15 अफराद की लाशें मिलने के बाद बलूचिस्तान हुकूमत का ऐलान है जंग, दहशत गर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। इलेक्शन अमेंडमेंट बिल 2017 भी पास्ड। ऑल दोज इन फेवर ऑफ इट में से आए, ऑल दोज अगेंस्ट इट में से नो। आई थिंक आईज हैव इट एंड द मोशन इज अडॉप्टेड एंड कॉन्सिक्वेंटली द बिल इज पास्ड। हुकूमत की कोशिशें रंग ले आईं, कौमी असेंबली में तरमीमी इंतखाबी बिल 2017 मंजूर। स्पीकर अयाज सादिक की पार्लियामानी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एमक्यूएम के तहफुजात हैं जिन पर बात करेंगे। फारूक सत्तार बोले शफाफ मर्दमशुमारी के बगैर मुनसिफाना और गैर जानबदाराना इंतखाबात को यकीनी नहीं बनाया जा सकता। साद रफीक ने एमक्यूएम तहफुजात को मुश्तरका मफादात काउंसिल में ले जाने का इंदिया दे दिया। कौमी असेंबली ने अकीदा खत्म नबूवत का हल्फनामा पुरानी शक्ल में बहाल कर दिया। कादियानी और अहमदी शहरियों की वोटर लिस्टें अलग करने का कानून भी ऐवान ने मंजूर कर दिया। कौमी असेंबली इजलास में अरकान में नोकझोंक, शेख रशीद और अहसन इकबाल का आमना सामना। शेख रशीद का हलफनामे में गलती करने वाले की निशानदेही का मुतालबा, अहसन इकबाल बोले हमारा खत्म नबूवत पर उतना ही ईमान है जितना बाकी कौम का है। जुड़वा शहरों में नवे रोज भी निजामे जिंदगी मफलूज। तहरीके लबैक के धरने से शहर इख्तदार के बासी शदीद मुश्किलात का शिकार, हुकूमत धरने वालों के सामने बेबस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीके लबैक का धरना खत्म करने का हुक्म, खुदा का खौफ करें। मामला अदालत में आ गया है, जस्टिस शौकत अजीज के रिमार्क्स, कहा नेकी का काम गलत तरीके से किया जाए तो ये भी गलत है। मुजाहरीन कानून की पाबंदी करें, वजारत दाखिला का नुमाइंदा, आईजे पुलिस और कमिश्नर जाती हैसियत में अदालत तलब। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी से चौधरी निसार की मुलाकात। चौधरी निसार कहते हैं धरने के बाद आवाम को मुश्किलात का सामना है, आवाम को तकलीफ पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।
हुकूमत से मसले के हल के लिए फौरी इकदाम का मुतालबा कर दिया। कोयटा में कायम मुकाम एस पी इलियास और अहल खाना की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में गवर्नर बलोचिस्तान, कोर कमांडर और वज़रा आईजे पुलिस और दीगर हुकाम शरीक। गुज़िश्ता रोज नवाकली में दहशत गर्दों की फायरिंग से कायम मुकाम एस पी इलियास, उनकी अहलिया, बेटा और पोता जाँ बहक हो गए थे। पाकिस्तान स्टील मिल जबूहाली का शिकार, हुकूमती गफलत या इंतजामिया की नाअहली, आज न्यूज बना मुलाजमीन की आवाज, चंद लोगों ने इदारे को तबाह कर दिया। इदारा 2008 के बाद से जवाल पजीर, मुलाजमीन की फरियाद। हम गवर्नमेंट से कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपने वाजबात मांग रहे हैं, ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड, लीव इन कैशमेंट, ये हमारे दिए नहीं जा रहे। गुज़िश्ता सालों से जो है एक साजिश के तहत बंद करने की कोशिश की गई। कौमी टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम का कहना है कि मोहम्मद हफीज से लगातार ओवर्स कराने के दौरान थकावट के बाइस गलती हुई होगी, जिसके सबब एक्शन मशकूक हुआ। उन्होंने कहा कि पीएसएल गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं कि हर किसी को खिलाया जाए। वजीर खजाना की मुश्किलात कम न हुई, नैब ने वजीर खजाना इसाक डार का नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी। तर्जुमान नैब के मुताबिक नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद कदम उठाया गया। अल्लाह हम पर भी रहम करेगा और जो हमने एक तरक्की का एक दौर शुरू किया था इंशाल्लाह, वो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में और भी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। तमाम मामला दुरुस्त सिम्त में चल रहे हैं, तरक्की का सफर पहले से ज्यादा जोश से जारी रहेगा, मुल्क और कौम की खिदमत करते रहेंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की मरी में मीडिया से गुफ्तगू। शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस यकजा करने की अपील, सुप्रीम कोर्ट से मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने अपने चैम्बर में समाअत की। एहतसाब अदालत नैब रेफरेंसेस यकजा करने की दरख्वास्त पहले ही मुस्तरद कर चुकी। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जिम्मेदारियां पूरी की। अफगानिस्तान में मौजूद अफवाज को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए, आर्मी चीफ ने अमरीका को वाजह कर दिया। आर्मी चीफ से अमरीकी सेंटकॉम के सरबरा जनरल जोसेफ की मुलाकात में इलाकाई सलामती पर तफसीली तबादला ख्याल। इमरान खान को सेनेट इंतखाबात में शिकस्त का खौफ है, वो सेनेट इंतखाबात से पहले असेंबलियां तोड़ना चाहते हैं। एहसन अखबार की लाहौर में गुफ्तगू, बोले सुप्रीम कोर्ट के बहुत से फैसले काबिल फख्र नहीं। नवाज शरीफ तहफ्फुज़ात के बावजूद अदालत में पेश हुए। डॉक्टर आसिम को इलाज के लिए एक बार फिर बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। विफाक तमाम मुलजमान के साथ यकसा सलूक क्यों नहीं करता, जस्टिस फाइज ईसा के रिमार्क्स। सिंध पुलिस में काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई का मामला, वजीर दाखिला कैसे कार्रवाई करेंगे, वो तो जो करेंगे पसंद नापसंद की बुनियाद पर करेंगे, अदालत के रिमार्क। आईजी सिंह का सुप्रीम कोर्ट में इजहार बेबसी, कहा ग्रेड 16 से ऊपर सीनियर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई मेरा इख्तियार ही नहीं, जो एक्शन ले सकता था वो लिया जा चुका। सियालकोट में बस कंडक्टर का स्पेशल बच्चों पर तशद्दुद, फुटेज मीडिया पर आने के बाद इंतजामिया मुतहरिक, कंडक्टर मजहर गिरफ्तार,
स्कूल पॉइंट ड्राइवर और प्रिंसिपल मुअत्तल, तफ्तीश का आगाज। आज न्यूज की खबर पर एक्शन। कराची में आयशा मंजिल के करीब शादी हॉल की गैर कानूनी तामीर की खबर पर महकमा एंटी करप्शन हरकत में आ गया। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को नोटिस जारी करके दो रोज में तमाम मुतालिका अफराद और अफसरान को पेश होने की हिदायत कर दी। कराची में लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज रंग ले आया। वजीर आला हाउस में सेक्रेटरी सेहत और लेडी हेल्थ वर्कर्स के दरमियान मुजाकरात कामयाब। वजीर आला की जायज मुतालिबात पूरे करने की यकीन दहानी। मिट्टी में गजाई किल्लत से मजीद 5 बच्चे दम तोड़ गए। रवामा हलाकतों की तादाद 20 तक जा पहुंची। इलाके में हुकूमती इकदाम न होने के बराबर। फैसलाबाद में पैरामेडिकल स्टाफ का अस्पतालों की निजकारी और दीगर मुतालिबात के हक में एहतजाज। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। मौसम सर्द हो गया। सवात, एबटाबाद और हजारा डिवीजन में बर्फबारी। नथिया गली, ठंडियानी और अयूबिया में सयाहों के डेरे। अफगानिस्तान में काबुल के इलाके लबजार के रेस्टोरेंट में धमाका, 9 लाख मुतादिद जख्मी। धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज का इलाके का मुहासरा। धमाका मुमकिन तौर पर खुदकुश हो सकता है, अफगान मीडिया का दावा। अस्सलाम वालेकुम, आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी। मैं हूं अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं और आपको बताते हैं तुर्बत में दहशत गर्दों के हाथों कत्ल होने वाले 15 अफराद की लाशें लाहौर पहुंचा दी गई हैं। सानिया में जाबाज अफराद की मैयतों की आबाई इलाकों में मुंतकली का अमल जारी है। मैयतों के घर पहुंचने पर कयामत बरपा है। अपने प्यारों की खुशहाली के लिए यूरोप जाने की कोशिश में फिर 15 अफराद ने मौत को गले लगा लिया। तुर्बत में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले 15 अफराद की मैयतें लाहौर पहुंचा दी गईं। 11 मैयतों को आबाई इलाकों में रवाना करा दिया गया। अपने प्यारों के सुनहरे ख्वाब पूरे करने के लिए पराए देश जाने की कोशिश करने वाले इन्हें हमेशा के लिए छोड़ गए। तुर्बत में दहशतगर्दों के हाथों मारे जाने वाले गुफरान और अब्दुल गफूर की मैयतें भंडर पहुंची तो माए और बहने धाड़े मार मार कर रोईं। वकास की मैयत इसके आबाई गांव गोजरा पहुंचा दी गई। भालिया के नौजवान की लाश भी घर पहुंचा दी गई। मंडी बहाउद्दीन, दसका, गुजरात और वा कैंट में भी लवाहिकीन अपने प्यारों की मैयतें वसूल करने के लिए बेकरार हैं। इससे कबल तमाम मैयतों को खुसूसी तैयारी के जरिए पहुंचाया गया। शनाख्त न होने वाली 4 मैयतें म्यू अस्पताल के सरदखाने मुंतकिल कर दी गयी। दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने जाबहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का ऐलान किया है। मकतूलीन के लवाहिकीन को फीकस 10 लाख रुपए माली इमदाद दी जाएगी। सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब बेचने वालों के हाथों इंसानी जान की अर्जानी का ये पहला वाकया नहीं। तुर्बत में 15 अफराद तो जान से चले गए लेकिन इंसानी स्मगलिंग के सद्देबाप के जिम्मेदार इदारे जवानी जमा खर्च से आगे ना बढ़ सके। रिपोर्ट कर रहे हैं गुजरावाला से राजा हबीब। तो
पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग के गैर कानूनी कारोबार का हुजम अरबों डॉलर तक पहुंच चुका है। इंसानी स्मगलर बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद नौजवानों को गैर कानूनी तरीकों से पुरखतर जमीनी और समंदरी रास्तों के जरिए मंजिल तक पहुँचाते हैं। कैदोबंद भूख प्यास सबसे भेजा और हर मोड़ पर एजेंटों की ब्लैकमेलिंग इस सफर के राहियों का मुकद्दर होती है और मौत के साए भी इन पर मंडलाते रहते हैं। ये गैर कानूनी कारोबार मुल्क की बदनामी का सबब भी बन रहा है। मैं हाथ जोड़ के आपके आगे अपील कर रहा हूँ कि प्लीज खुदा रहा ये गलत जो रस्ते से लेके जा रहे हैं इनकी बातों में मत आए। लोग मरे पे ने बंदा चुक दे कौन इस वास्ते के सियां ने एजेंटा दी गलां ते ला के उधर तुर्की इस्तांबुल या यूनान ना जान। गुजरांवाला इंसानी स्मगलिंग का गढ़ है। वजारते दाखला की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक से डिपोर्ट होने वाले 80% अफराद का ताल्लुक इसी रीजन से है, जबकि रेड बुक में शामिल 70% इंसानी स्मगलर भी गुजरांवाला रीजन के हैं। सरकारी महकमे भी इस बात पर माफिया के खिलाफ बेबस हैं। मैं तो यही कहूंगा कि आगे कोई भी नहीं जाए, कोई बॉर्डर पे मार रहे हैं गोली, कोई समुद्र में डूब रहे हैं, कोई जेलों में भूखे मार रहे हैं, फिर वो पीछे भेजते, कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा है कि यहाँ को अच्छा कारोबार करो, कुछ भी कर लो। लोगों का कहना है कि बेरोजगारी और अबतर मुआशी हालात इंसानी स्मगलिंग का सबब है, जिसके बाद सुहाने ख्वाबों की ताबीर के लिए सादा लोग नौजवान इंसानी स्मगलरों के जाल में फंस जाते हैं। साने तुर्बत पर जहाँ हर आंख अखबार है, वहीं लोग इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बनाए गए महकमों की कारकर्दगी से भी मुतमिन दिखाई नहीं देते। राजा हबीब, न्यूज़, गुजरांवाला। सानह तुर्बत में जहां वहां होने वाले मलिकवाल के रहायशी ज़ुल्फ़िकार अली के लवाकीन भी अपने प्यारे की मैयत का इंतजार कर रहे हैं। तफसीलात जानते हैं आज उसके नुमाइंदे नसीम अकमल खान से। नसीम, मैयत आबाई इलाके में कब तक पहुँच जाएगी और नमाज जनाजा किस वक्त होगी? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सानह तुर्बत में, जहाँ वहां होने वाले ज़ुल्फ़िकार अली के घर के बाहर। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर काफ़ी शहरदार और मल्लेदारों के लोगों की अक्सरियत तादाद यहाँ पर मौजूद है। हर आंख नम है, घर वाले अपने प्यारे की मैयत का इंतज़ार कर रहे हैं और लवाकीन का कहना है कि मकतूल का नमाज जनाजा रात 10 बजे पुराने टिब्बे वाले कब्रिस्तान में अदा किया जाएगा। जी, और इस वक्त हमारे नुमाइंदे राजा हबीब एहसन रजा के घर रसूल नगर में मौजूद हैं, जहां इस वक्त सफ़े मातम बिछी हुई है। उन्हीं से जानते हैं कि इस वक्त वहां क्या मनाजिर देख रहे हैं। राजा हबीब, बताइएगा क्या माहौल आप देख रहे हैं? यकीनी तौर पे सोगवार मनाजिर होंगे। जी बिल्कुल, गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाते हुए तुर्बत के मकाम पर कत्ल होने वाले एक नौजवान एहसन रजा जो है, उनका ताल्लुक जो है वो गुजरांवाला के नवाही इलाके रसूल नगर से है। वहाँ पर भी इस वक्त जो है वो सफ़े मातम जो है वो बिछी हुई है। पूरा इलाका जो है वो सोगवार है और घर पर जो दुखियारी माँ है वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वो इस वक्त चीखों पुकार कर रही है, अपने बेटे को जो है वो याद कर करके रो रही है। उसकी बॉडी का जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है। इस वक्त इस दुखियारी माँ से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहती हैं। मेरा बच्चा इना जालमा मार छड़े है, मेरा बच्चा इना जालमा ने मार छड़े है, मेरा बच्चा मैं ठीक ठाक कर लिया। यहाँ पर बड़े रकत अमेज मनाजर जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। जो अहले खाना है उनका यही कहना है कि एहसन की शादी जो है वो तय थी, लेकिन एजेंट ने जो है वो उसे झांसा दिया कि उसे बायर जो है वो लेकर जाएंगे। एजेंट के झांसे में आकर जो है उसे सुहाने ख्वाब जो हैं वो दिखाएंगे और इस ख्वाबों की तबीर के लिए वो निकला, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ख्वाब जो हैं वो पूरे होते हैं या कि उसको कोई बेनाम कब्रिस्तान या कोई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की गोलियों का निशाना बनना पड़ता है। जी, सानह तुर्बत में 15 अफराद की हलाकत के बाद गुजरांवाला डिवीजन से इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुजरमान से तफ्तीश का अमल जारी है। दूसरी जानब वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत आला सतह का अजलास हुआ, जिसमें सिक्योरिटी से मुतालिक अहम फैसले किए गए। सानह तुर्बत में कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए पुलिस और एफआईए को पहला बड़ा ब्रेक थ्रू मिल गया। एफआईए के मुताबिक मुलजिम तनवीर अहमद को समड़ियाल, जफर इकबाल को वजीराबाद, जबकि अब्दुल वहीद उर्फ मोहम्मद खान को मलिकवाल से गिरफ्तार किया गया। इधर वजीर आला बलोचिस्तान नवाब सनाउल्ला खान जहरी की जेर सदारत आला सतह का सिक्योरिटी इजलास हुआ था, जिसमें कमांडर सदरन कमांड आसिम सलीम बाजवा समेत आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास में दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कुव्वत के साथ कार्रवाई का फैसला किया गया है।
قومی اسمبلی میں آئینی حلقہ بندیوں کے حوالے سے آئینی ترمیم منظور کر لی گئی ہے، اسی بارے میں مزید جانیں گے، آج نیوز کے نمائندے رانا طارق سے بات کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی میں آئینی حلقہ بندیوں کے حوالے سے آئینی ترمیم منظور کر لی گئی ہے اور 235 ارکان نے شکوں کی منظوری کے حق میں ووٹ دیا، اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ملک میں انتخابات وقت پر ہونے کے امکانات روشن ہیں۔ 235 ارکان نے شکوں کی منظوری کے حق میں ووٹ دیا، کچھ ووٹ مخالفت میں بھی ڈالے گئے لیکن اکثریت رائے سے اس ترمیم کو منظور کر لیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی میں آئینی حلقہ بندیوں کے حوالے سے اس آئینی ترمیم کو اب منظور کیا جا چکا ہے۔ جی 242 ممبرز کاسٹ دیئر ووٹس فار آئیز and one for noes. Consequently, the bill is passed by the assembly by not less than 2/3 of the total membership of the assembly. قومی اسمبلی نے مسلم ووٹرز کے لیے عقیدہ ختم نبوت کا حلف نامہ پرانی شکل میں بحال کر دیا، جبکہ قادیانی اور احمدی شہریوں کی ووٹر لسٹیں الگ کرنے کا قانون بھی متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ The Elections Amendment Bill 2017 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it and the motion is adopted and consequently the bill is passed. قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت ہوا۔ وزیر قانون زاہد حامد نے مسلم ووٹرز کے لیے عقیدہ ختم نبوت کا حلف نامہ شامل کرنے اور قادیانی ووٹرز کی فہرست کو الگ کرنے کا ترمیمی بل اسمبلی میں پیش کیا۔ نئے الیکٹورل رولز کی تیاری کے دوران جو بھی فارمز وغیرہ استعمال ہوئیں گے، یہ وضاحت کی گئی کہ جو سٹیٹس ہے قادیانی کو وہ گروپ کا، لاہوری گروپ کا، احمدیز کا، ان سب کے وہی سٹیٹس رہے گا جو کہ آئین میں درج ہے، یعنی کہ غیر مسلم۔ اسپیکر ایاز صادق نے ترمیمی بل پر اراکین کی رائے لی، جس کے بعد اسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to amend the Elections Act 2017, number 33 of 2017, the Elections Amendment Bill 2017 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it and the motion is adopted and consequently the bill is passed. ترمیمی بل کے تحت الیکشن اتھارٹی کسی شہری کے قادیانی ہونے کے شبے پر اسے طلب کر کے عقیدہ ختم نبوت کی تصدیق کر سکے گی۔